मैं ये मानता हूँ कि 10 वर्ष मैंने जो काम किया भगवान की कृपा से कुछ सफलता मिली, अब जब मुझे जीवन में ये अवसर मिला है कि मैं आगे जो कुछ कर सकता हूँ ये स्वयं से चयन करूँ, तो मैं बिहार का होने के नाते ऐसा समझता हूँ कि मुझे ये प्रयास करना चाहिए। मुझे ये एहसास है कि ये कठिन काम है, इस बात का इल्म है कि इसको करने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 44-45 साल की उम्र वाले हमारे जैसे व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ेगी तो बिहार में किसकी हिम्मत पड़ेगी। बिहार को अगर सुधरना है, बेहतर बनना है, तो बिहार के लोगों को ही प्रयास करना पड़ेगा। इसको सुधारने के लिए पंजाब और केरल से लोग तो नहीं आएंगे। अगर हमारे जैसे आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, हम जब घर से चले होंगे तो 20,000 रुपए की नौकरी चाहते थे, उसके आगे भगवान की कृपा से बहुत कुछ मिल गया। अब जब अवसर है तो मैं अपनी शक्ति बुद्धि ताकत इस बात के लिए लगाना चाहता हूँ कि समाज में इस बात के लिए लोगों को जागृत किया जाए और समाज से अच्छे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए। अगर मैं इतने बड़े बड़े नेताओं और पार्टियों में एक से एक खराब लोगों का चुनाव जिताने में अपना कंधा लगा सकता हूँ, तो एक बार समाज में सही लोगों को भी जिताने के लिए कंधा लगाने प्रयास करने में नुकसान क्या है? जीते के हारे को भगवान के हाथ में है। देखिए, चुनाव जीतना और हारना किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, कोई किसी को चुनाव हरा जिता नहीं सकता है। लेकिन इतना आप मान कर रखिए कि जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी मालूम है कि भाई इस लड़के को और कुछ आए चाहे नहीं, थोड़ी बहुत चुनाव की समझ तो हमको है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, इसकी थोड़ी बहुत समझ तो हमको भी होगी, आपके इतना नहीं होगी लेकिन थोड़ी बहुत तो जरूर होगी। और आप मान कर चलिए कि हम लड़ने के लिए लड़ने वालों में से नहीं है, अगर लड़ने आए हैं तो जीत का खाका दिमाग में बना कर आए होंगे। देख रहे हैं 3 महीना में कितना उथल पुथल मचा हुआ है, हम कुछ कर रहे हैं, हम तो चुपचाप बैठे हुए हैं, दल भी नहीं बनाए हैं। 180 डिग्री राजनीति यहाँ बिहार की घूम गई है ना, 3 महीना पहले पूछते तो आपको अंदाजा होता। इसलिए भविष्य में क्या होने वाला है उसको सेकंड गेस करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है प्रयास करना ईमानदारी से, और जो मैं समझता हूँ यही रास्ता है, इसी तरीके से बिहार को इस दुर्गति से, इस दुर्दशा से निकाला जा सकता है। कोई एक व्यक्ति या दल बिहार को सुधार नहीं सकता है। पिछले 50-60 सालों में बिहार में 25 लोग अलग अलग मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन बिहार की दशा वैसे की वैसी बनी हुई है। आप आज से 50 साल पहले भी देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य थे, आज भी आप देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। अगर इसको किसी एक आदमी एक दल ने बिगाड़ा नहीं है तो इसको बनाने की जिम्मेवारी भी एक व्यक्ति या एक दल की नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जो लोग अभी से गेसिंग गेम में लगे हैं कि 6 महीने के बाद राजनीति में क्या होगा, मैंने एग्जांपल ये दिया आपको कि जब 3 महीना पहले आपसे पता था कोई तो कोई बता सकता था कि नीतीश जी फिर से महागठबंधन में जाने वाले हैं। इस तरह की जो संभावनाएं हैं, इस तरह का गेसिंग वर्क है, वो नहीं करने का कोई मतलब नहीं है। आप अपना प्रयास कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है किसी से रास्ता खुलेगा, इसी से बिहार का आगे रास्ता खुल सकता है। मेरा काम है इस सोच पर टिके रहना, इस पर मजबूती से और ईमानदारी से काम करना। अभी जो 2-3 महीने का मेरा अनुभव रहा, मैंने एक नंबर आपको बताया, मुझे जितनी उम्मीद थी उससे बहुत ज्यादा संख्या में लोग ये बता रहे हैं कि प्रशांत जी काम कठिन है लेकिन आप ही से आसान है। देखिए, ये अफसोस की बात नहीं है, जब आप किसी दल के साथ काम करते हैं, किसी एग्जिस्टिंग व्यवस्था के साथ काम करते हैं, आपके पास ये 100% अथॉरिटी नहीं है, आपके पास वो लिवरेज नहीं है कि उस दल में जैसे आप चाहें वैसे कर दें। आपको जो चीज मिलता है उसी को बेहतर बनाकर आपको चुनाव जिताना है। गलत आदमी को जिताया इसकी बात नहीं है, उस संदर्भ में जहाँ पर अच्छा लगा, जो सही लगा उसको जिताया। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो आइडियल है। जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब हमें फ्रेश ही बनाना है, नया बनाना है, तो क्यों ना मैं इसको जैसा चाहता हूँ वैसा बनाऊं। ये संभव है कि ये बनाने के प्रक्रिया में हमारे साथ भी कोई गलत लोग जुड़ जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरी एक भूमिका थी, उस भूमिका को जितनी जिम्मेवारी और ईमानदारी से मैं निभा सकता था मैंने निभाया। जिसको सफलता मिलनी थी मिली, जिसको हारना था वो हारा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उस 10 साल को काम करने के बाद जब मेरी स्थिति ऐसी हुई, कुछ लोग ऐसा बताते हैं भाई आप पहले क्यों नहीं कर रहे थे, पहले इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमारी क्षमता ही नहीं थी।
मान लीजिए कि अगर 10 साल वो हमने काम नहीं किया होता और हम आपके शहर में आते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो आप में से कितने लोग आते हमको पूछने के लिए? हम यही शहर से गुजर जाते, आप हमको पूछते भी नहीं, आप हमको पहचानते भी नहीं। जदयू छोड़कर निकल गए, वो एक मुद्दा था। जदयू में आए थे तो ऐसी ही सोच थी कि इस पार्टी को लेकर इसको नए सिरे से खड़ा किया जाए, लेकिन सीए एनआरसी के मुद्दे पर हमारे और जदयू के नेतृत्व में उस समय कुछ मनमुटाव हुआ। पार्टी में ये तय किया गया था कि हम लोग सीए एनआरसी के विरोध में रहेंगे। पार्लियामेंट में पार्टी ने वोट किया उसके फेवर में। उसके बाद जब नीतीश जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जो वोट हुआ है उसमें मेरी सहमति नहीं है, मैं कहीं दौरे पर था, और विधानसभा में उन्होंने सीए एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराया। मुझे वो बात ठीक नहीं लगी कि पार्टी में आप एक बात कह रहे हैं, पार्लियामेंट में दूसरी बात कह रहे हैं और विधानसभा में तीसरी बात कह रहे हैं। उसको लेकर मैंने कुछ बयान दिए, पार्टी को अनुशासन के खिलाफ लगा, उन्होंने मुझे हटा दिया। मैं तो जहाँ था वहीं पर हूँ, उससे छोटा तो नहीं बना हूँ। पार्टी जदयू उस समय कितनी बड़ी थी और अभी कितनी बड़ी है, आप देख लीजिए। जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ, इस सरकार के बनने के बाद आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को ज्ञात होगा कि 2012 से बिहार में जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय राजनीति में के प्रादुर्भाव के बाद से 2012 से बिहार में एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ है, और 12 से 22 के बीच में 10 साल में ये छठवीं सरकार है, मतलब ये छठवां प्रयोग किया जा रहा है। हर बार जब प्रयोग होता है ऐसा ही लगता है कि यही प्रयोग सबसे सफल होने वाला है, लेकिन पिछले 10 साल का अनुभव ये बता रहा है कि इन सारे प्रयोगों के बावजूद बिहार में जो स्थिति थी वो पहले से खराब ही हुई है। आप भी जानते हैं मुझसे बेहतर, जो 2005 से 2010 या 2012 तक की स्थिति थी उसके मुकाबले आज जनरल जो मैं सुनता हूँ लोगों से, लोग बताते हैं कि स्थिति खराब हुई है, करप्शन बढ़ा है, शिक्षा व्यवस्था बदतर हुई है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बदतर हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, ऐसा मैं सुनता हूँ। चुनाव लड़ सकती है, बिल्कुल लड़ सकती है, इसमें कहीं कोई दो मत रखिए। प्रयास की जरूरत है, जो पार्टी सही प्रयास करेगी वो अकेले लड़के जीत सकती है। गठबंधन से लड़े या अकेले लड़े वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जो जीत कर आए वो सही लोग हों और उनके साथ काम सही हो। अगर आप मंत्रिमंडल बनाते हैं और उसमें 4 रेटेड क्रिमिनल को आप रख लेंगे या क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को रख लेंगे और कहिएगा कि हम सुशासन यहाँ लाने वाले हैं, तो उसको कौन विश्वास? कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो जनता को प्रतिक्रिया देना है। मैंने आपको शुरू में कहा कि इसको मैं शुभकामना देता हूँ, लेकिन एक बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2015 का जो महागठबंधन बना था उसमें मैं शामिल था, उसका जो मंत्रिमंडल बन रहा था उसमें कई ऐसे नाम सुझाए गए थे जिस पर वीटो पावर लगाकर रोका गया था। उनमें से कई ऐसे नाम जिसको 2015 में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि उनकी आपराधिक छवि थी या उनके दागी उन पर दाग था किसी तरह का, ऐसे कई लोगों का नाम मैं इस मंत्रिमंडल में देख रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये आपको फर्स्ट हैंड अपनी जानकारी से बता रहा हूँ, कम से कम इस मंत्रिमंडल में 3 लोग ऐसे हैं जिनका नाम 2015 में भी रखा गया था और उस समय जो चर्चा हुई उसमें तय किया गया था कि नहीं, महागठबंधन के मंत्रिमंडल में इस तरह की छवि वाले लोगों को मंत्री बनाना उचित नहीं होगा और उनको नहीं बनाया गया था। ऐसे लोग आज इस मंत्रिमंडल में मंत्री बने हुए हैं।